ਰਹੀਆਂ ਬਾਰਸ ਵੇੜੀਆਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਿੰਬੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਮੋਸਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਇਆ ਲੈ ਪੈ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਕਿਆ ਰੇਟ 80 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ 80 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਉਹ ਇਹ ਟਿੱਕੀਆਂ 20 ਕੀ ਹੈ 20 ਕੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕੀ ਐ ਨੇ ਭਟੂਰੇ 50 ਰੁਪਏ और आ गए हैं बड़े ही प्यारे भाई वसीम भाई चाट वाले और इनके पास जरा टिफिन समोसे हैं। ये कौन सा समोसा जी? 35 है। अच्छा दोस्तों आपको मैं स्पेशली इस फूड शॉप का विजिट करवाना चाहता था। ये देखें कुछ पुरानी यादें हैं, इनके पास मट्टी के बर्तन हैं, कोल्ड ड्रिंक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको रौनक रमज़ान दिखाएंगे। इस वक्त अफ्तारी में एक घंटा रह गया है और तमाम लोग जो हैं वो उनको जल्दी है कि अफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें ले लें, कुछ सामान खरीद लें और स्पेशली समोसों वालों के पास बहुत ज़्यादा रश है। तो ज़रा इनका विजिट करते हैं, आपको सारा टूर देता हूँ मैं आज। आजकल रमज़ान की वजह से बहुत ज़्यादा रौनक है। देखिए हाँ साल के ऊपर यहाँ पे छोटे समोसे बना रहे हैं भाई। इसका क्या रेट है छोटे समोसों का जी? ये छोटे समोसों का क्या रेट है? 80 रुपये दर्जन। 80 रुपये दर्जन। ये टिक्कियाँ 20 की है? 20 की है। आलू वाली टिक्कियाँ? रमज़ान की बरकत है, सबके पास रश है माशाल्लाह खरीदारों का। साइड पे भी है, वहाँ भी थोड़ा टूर करते हैं। इनके पास ये बगैर फ्राई की चीज़ें भी हैं भाई जान। ये कौन से समोसे हैं जी? ये कौन से हैं? ये आलू वाले। आलू वाले किस तरह? 150 का पैकेट। 150 का पैकेट 36 पीस। और इनके पास ज़रा डिफरेंट समोसे हैं। ये कौन सा समोसा है जी? 35 है। वाह क्या रेट है इसका? इसका क्या रेट है? 30 रुपये। कौन सा? आलू वाला, चिकन वाला, कौन सा? आलू वाला। ज़बरदस्त। ये समोसों के साथ एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पे मिली है, पेटिस। यहाँ पे पीछे गरम गरम निकाल रहे हैं। और पकोड़े किस तरह दे रहे हैं? 150 रुपये के पाव है, मतलब 600 रुपये किलो हो गए जी। आगे हाथी समोसे आ गए हैं ज़बरदस्त किस्म के। ये अंकल बड़ा माशाल्लाह बड़ा टेस्टी समोसे बनाते हैं। अंकल जी कितना दे रहे हो समोसा? 40 रुपये दे। कचोरी? कचोरी 70 रुपये। कचोरी 70 रुपये की है। इसका रेट कम आप देखें बाजार से। ज़बरदस्त चिकन कचोरी है। वाह ज़बरदस्त। चलते चलते हम जवेरी के दसका पॉइंट पे आ गए हैं। जबरदस्त। यहाँ पे भाई जान रोल निकाले भाई, कितना दे रहे हो रोल? 10 रुपए का। 10 रुपए का रोल कड़ा आलू का रोल? हाँ जी आलू वाला। आलू वाला समोसा कितना दे रहे हो? समोसा चिकन 40 और कचोरी 70 रुपए। वाह
हैं जी। अब हम इस्माइल रोड से चलते चलते अल्लाह चौक में पहुंच गए हैं और यहाँ पे बड़ा फेमस आरिफ स्वीट्स है। ये है जी आरिफ स्वीट्स वाले समोसे कचौरियाँ ज़बरदस्त। और यहाँ पे निकल रहे गर्मा गर्म समोसे। कैरन साढ़े बोर्ड से मारे जी है आर एस स्वीट साहब बड़ी मशहूर। और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त फ्रूट की रेड़ियाँ भी हैं माशाल्लाह, खूबसूरत फ्रूट है इनके पास। भाई किस तरह केले दर्जन केले भाई? ये ढाई केले हैं और सेब सेब भी ढाई 250 रुपये किलो और माल्टा 150 रुपये। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप फ्रूट की रेड़ियाँ भी हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत। भाई किस तरह स्ट्रॉबेरी? 300 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी इनके पास। स्पेशली इस फ्रूट शॉप का विज़िट करवाना चाहता था। इनके पास फ्रूट की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, बाकी लोगों से ज़्यादा है इनके पास। और यहाँ पे हमें तरबूज भी है इनके पास, अंगूर भी है देखें, कीवी और पाइनएप्पल, पपीता, बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है इनके पास माशाल्लाह। ज़बरदस्त खूबसूरत फ्रूट है और एक चौक के अंदर बिल्कुल दुकान है इनकी। आप इस शॉप पे आते हैं तो आपको तकरीबन सभी फ्रूट मिल जाएंगे और माशाल्लाह रमज़ान के अंदर सभी लोगों का काम डबल ट्रिपल हो जाता है, अल्लाह पाक बरकत डाल देते हैं। तो दोस्तों इनके पास ये कीवी है जो कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और ये चीकू है, चीकू 500 का किलो, चीकू 150 का पाव हुआ, पपीता, तरबूज है, नारियल है, इमली थाईलैंड दी, ठीक है नी। चीकू भी पाओ एक दो जरा दोस्तों, चीकू ले लिए मैंने इनसे, ज़रा डिफरेंट बड़ा टेस्टी होता है। और मैंने इनसे लिए कीवी, दो चीज़ इनसे मैंने ली। इसे चल के आज अफ्तारी में ट्राई करेंगे। लो सर, और लो ज़्यादा ही है और आगे आ गए हैं बड़े ही प्यारे भाई वसीम भाई, चाट वाले, बड़ी ज़बरदस्त चाट बनाते हैं माशाल्लाह। काफ़ी वैरायटी है इनके पास, दही भल्ले हैं, क्रीम चाट है, चना चाट है। वसीम भाई की रेट है चाट दे कितना दे रहे हो? 100 रुपये की, 100 रुपये की सारे देख के रेट है। दही भल्ले, फ्रूट चाट सेम रेट है। और दोस्तों इनके पास आप ज़रूर ट्राई करें, ये ज़रा की रेड़ी का आप मुआयना कर लें। रेड़ी तो इधर लेके जाते रहते हैं लेकिन टेस्ट इनका बहुत अच्छा है। ज़्यादातर ये मेन बाज़ार में खड़े होते हैं, वहाँ पे आके इनको ज़रूर ट्राई करें, आपको एक दही भल्ले का अच्छा टेस्ट देंगे। अच्छा दोस्तों अब हम अल्लाह चौक के दूसरी साइड पे आ गए हैं, यहाँ पे रमज़ान रेड़ी बाज़ार लगा हुआ है माशाल्लाह। जी किस तरह दे रही है बोतल, रेट किस तरह है? कोई भी है 180 रुपये की, 180 रुपये की एक बोतल लगा था, क्रेट पूरा 700 रुपये, 700 रुपये उसका, 720 रमज़ान दी मैं तो 75 दे रहा।
दोस्तों यहाँ पे सवा दो लीटर की सबसे कम कीमत रखी है दोस्तों, ज़बरदस्त। ये सारा इस तरफ रमज़ान रेडी बाजार फ्रूट्स की हैं दुकानें, बोतलें वगैरह इनके पास। अरे देखें ये दूसरी दुकान के पास नारियल भी है। नारियल का रेट है भाई सर? 500 का पीस थे। अनार 800 रुपये। चिकन शॉप आ गई है। इस तरफ सारा रमजान बाजार है, फ्रूट की शॉप है, कुछ चिकन की है। भाई तुम्हें की बेच रहे हो, की चीज़ है, किस तरह है? ये देखें ये दिल बेच रहे हैं कुछ, किस तरह है? 1000 रुपये का माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा महंगा। ये देखें कुछ पुरानी यादें हैं इनके पास, मिट्टी के बर्तन हैं। ये गल्ला तकरीबन सभी ने बचपन में यूज़ किया है पैसे ऐसे जमा करने के लिए। किस तरह दे रहे भजन है? 150 रुपये का ये देखें ये बर्तन वगैरह मिट्टी के बच्चों को खेलने के लिए, ज़बरदस्त मेहरबानी। ये आगे फिर फ्रूट की रेडी आ गई है। आजकल नेक्स्ट कोला काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है। ये खजूर की रेडी आ गई है। कहड़ी खजूर है? पाकिस्तानी ईरानी केड़ी है? ईरानी है, पाकिस्तानी है। ज़्यादा की रेट है? यह बेची है 300 रुपये किलो। है ईरानी? 400 रुपये किलो। समझ गया, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी। हाँ जी, स्ट्रॉबेरी कितना दे रहे हो? फिर मेरे को कैमरा अपनी 300 बेची है, 250 बेची है, 200 किलो। थोड़ी रह गई उसने कह रहे मुके भी जान चले। तो दोस्तों में हम चलते चलते कश्मीर स्वीट्स पे पहुँच गए एक जगह फिर से, जिसके बाद ये समोसों की वैरायटी है और ये स्पेशल समोसे ही बनाते हैं। कितना दे रहे होंगे जी समोसा? 35 रुपये का। और देखें इनका रेट भी सबसे कम है, बाकी सब 40 रुपये का दे रहे हैं और ये 35 रुपये का। यहाँ पर ये फ्रेश समोसे निकाल रहे हैं। ये कैसा निज़ाम है? निज़ाम ज़बरदस्त है। कौन सा समोसा? चिकन वाला? चिकन आलू? चिकन आलू चिकन ज़बरदस्त। आ गया, खाब पूरा हो गया था। और दोस्तों इस वक्त इफ्तारी में आधा घंटा रह गया और आप देखें रश बहुत ही ज़्यादा हो गया। सभी को जल्दी है कि किसी तरह घर पहुँचें, टाइम पे इफ्तारी करें। खरीदारों का रश है, कुछ लोग समोसे वगैरह पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं रोज़ों के अंदर खाना, उसकी ख़रीदारी में है। कोई फ्रूट ले रहा है और कोई कुछ। फ़िलहाल सभी को जल्दी है कि जल्द से जल्द घर पहुँचा जाए। लेकिन दोस्तों कैसा लगा आपको ये एक शॉर्ट सा टूर, जिसके अंदर मैंने आपको रमज़ान की रौनकें, रमज़ान की बरकतें दिखाई हैं। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने शेख फैमिली वाले को इजाज़त दें। अब अपनी गली में पहुंच गया हूं और अफ्तारी में भी सिर्फ रह गए हैं 10 मिनट। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।